पटना के दीघा के पुराने बिनटोली में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। कोरोना को लेकर इस्तेमाल किए गए पीपीई किट को इस्तेमाल करने के बाद टोली में फेंक दिया गया। इससे लोगों में दहशत का माहौल है, पर यह संक्रमण फैलाने के लिए काफ़ी है। इस्तेमाल किया हुआ पीपीई किट किसी भी हालत में सार्वजनिक स्थानों, मोहल्लों, चौक चौराहों पर नहीं फेंकना है। उसे मेडिकल वेस्टीज के लिए ले जाया जाना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यहाँ किन लोगों ने लाकर पीपीई किट सड़क पर फेंक दिया। पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई, बावजूद इसके लोग सहमे हैं, डरे हैं। बता दें कि लोग कोविड 19 संक्रमण को लेकर घरों में बंद हैं, लेकिन कुछ लोग जब मॉर्निंग वॉक को लेकर सुबह सुबह निकले तो उनकी नज़र कचड़े पर पड़ी, तो लोग यह देखकर हैरान रह गए कि किसी ने पीपीई किट इस्तेमाल करके सड़क पर यूं ही फेंक दिया। आपको बता दें कि यहाँ 500 से ज़्यादा लोगों के घर हैं। कई स्लम एरिया के बच्चे इस कचरे को चुनते भी नजर आए। वहीं इस मामले पर स्थानीय नेता पप्पू राय ने कहा कि सरकार मौत को दावत दे रही है। स्थानीय विभाग की लापरवाही का नतीजा दीघावासी भुगतेंगे। भूल नहीं कर सकते, बहुत बड़ी लापरवाही है। जहां दीघा पुल के नीचे पुराने बिनटोली जहां बोलता है, आज के डेट में वहां सुबह में जाइएगा आप 4 बजे से कम प्रतिदिन 4 से 5 हजार लोग पैदल मॉर्निंग वॉक करते हैं। वहां पर देखिए किसी अस्पताल द्वारा जो कोरोना जांच का किट होता है पैड, भारी मात्रा में फेंका हुआ था। यह स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। इस पर FIR होना चाहिए, पुलिस केस होना चाहिए, इसका उचित जांच होना चाहिए, दोषियों को जेल भेजना चाहिए। यह बीमारी फैलाने का काम है। बहुत ज्यादा महक रहा है यहाँ पे। अर्ली सुबह में हम लोग आते हैं जाते हैं, ठंडा ठंडा हवा, स्वच्छ हवा लेने के लिए मॉर्निंग में आते हैं गंगा किनारे। लेकिन ये जो ऐसा पदार्थ है, ये कोरोना है, इसके अंदर की क्या है सारा चीज़ है, क्या बोलते हैं उसको, ग्लव्स है, पीपी किट और बहुत सारा चीज़ इसमें है जिसको कोरोना से हम रिलेटिव कर सकते हैं। इसमें हमें पता नहीं है कोरोना है या ना है, लेकिन कोरोना होगा ज़रूर। और कोरोना भी ना हो लेकिन कोई और भी बीमारी हमें ये फैला सकता है। इसे जलाना चाहिए था, लेकिन अगला लोग कौन फेंकवाया, क्या फेंकवाया, जैसे कि सुने हैं कुछ लोगों ने कहा है कि IGMS के द्वारा यहाँ फेंका गया है। बहरहाल लोगों की इस लापरवाही के कारण कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस तरह की लापरवाही के कारण कई लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। सरकार के साथ साथ लोगों को भी समय रहते जागरूक होने की जरूरत है। ओंकार आवामी के लिए पटना से विवेक राय की रिपोर्ट।